कर रहे हो? क्या कर रहा है बेबो? मेरा छोटा बेबो क्या कर रहा था? से हेलो, ये मेरा बच्चा है। से हेलो मुन्ना, ये मेरा विशाल, क्या बनाने जा रहे हो? आज मटन बनाने लगा हूँ। हाँ, मटन बना रहा हूँ आज, और आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं आज मैं मटन। हाँ, विशाल बहुत अच्छी कुक करता है। और इसमें मैं सिर्फ अदरक लहसुन टमाटर बस डालूंगा, और साथ में सिर्फ अचार में सिर्फ दो पैकेट डालूंगा बस। इसके अलावा ना नमक, ना मिर्च। कितने में कितना मसाला डाल रहे हो? सिर्फ पैकेट, सिर्फ दो पैकेट में अचार उसके डालूंगा तो वो बिल्कुल टेस्ट सही हो जाएगा। और इसमें एक पाव दही भी डालूंगा मैं, ताकि। और ये विशाल ईस्टर के लिए स्पेशल खाना बना रहा है अपने हाथों से। वो पीछे आप देख रहे होंगे, वो हमने दाल और चावल खाए थे शाम में आके, जब हम सुबह का चर्च करके आए थे सनराइज सर्विस, तो फिर हमने दाल चावल बना के वो खा लिए थे दोपहर में। तो अभी हम फिर हम जाएंगे बाहर जाएंगे अभी नहीं, तुम सारी बात सारी पहले ही बता देते हो। वैसे थंबनेल में सबको दिखने वाला है, लेकिन अभी हम बाहर जाएंगे। हाँ, तुम हमेशा सब कुछ पहले बता देते हो, और ये ऑडियंस बहुत चला के ये आगे गैस करना चाहिए। हाँ, इनको गैस करने दिया करो ना। यहाँ मैं विशाल की थोड़ी सी कर रही हूँ हेल्प, सिर्फ थोड़ी सी हेल्प। इसमें हम बादाम भी ऐड करेंगे थोड़े से। बादाम भी डाल रहे हो? ये वाले बादाम नहीं, ये मैं खा रही हूँ। नहीं नहीं, ये जो मैं काट रहा हूँ ये बादाम कट रहे हैं। अखरोट नहीं है, नहीं तो अखरोट भी डालते हैं, तो बादाम ही डालेंगे। मतलब आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल के इसको टेस्ट दे सकते हैं। कुकी हमारी चुप नहीं करती है, एक तो हमारी कुकी बहुत, कुकी से भी आपको मिलवाएंगे, फिर हमने कुकी से नहीं मिलवाएंगे। तो आपको फाइनल मैं बता देती हूँ, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ हम साबुत हरी मिर्चें इसमें डालेंगे, कुछ हमने काट के डाल दी हरी मिर्चें, और ये है हमारे बादाम, और ये गागा खा रही है बादाम इनमें से। गागा बादाम नहीं खा, अंकल मारेंगे, ये अंकल की डिश है आज की। अच्छा, अच्छा विशाल क्या करके आए हो? अभी मैं इसको एक दफा धोता हूं दोबारा। हां, क्योंकि ब्लड सही तरीके से साफ हो जाता है, ताकि पानी थोड़ा सा निकल जाए, फिर मैं थोड़ा ऑयल से भून लूं। क्या की दी है? कितने सारे पैसे हैं गागा? अभी मैं ब्लेंडर और ग्रीन नट पे है। बहुत सारे पैसे हैं, चलो पकड़ो, चलो यहाँ से जाओ, अभी हम खाना पकाने दो। इसका जो मैंने धोया था, मैं इसे थोड़ा सा ड्राई कर रहा हूँ ताकि पानी सारा स्टीम होके इसमें से निकल जाए, फिर मैं ऑयल में इसको थोड़ा सा भूनूंगा, फिर इसके अंदर पानी डालूंगा, ताकि ये इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगा। आप हाफ कप डाल सकते हैं, जो छोटे वाला कप होता है हाफ, आप वो उसका हाफ डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही भी डालूंगा, मैं जा रहा हूँ। मतलब कुछ मेजर करके नहीं डालना? हाँ नहीं, अंदाजे से मेजर कर ले, अंदाजे से हाफ कप डाल ले आप। भुन रहा है इस तरह ही, भुनना है सही वाला। आप ऑयल देख सकते हैं, ऑयल वैसे इसका भी निकल रहा, पर मैंने इसको एक दफा सही से भून लिया है ताकि ये जल्दी से गल जाए, या कि थोड़ा थोड़ा सा ये गलना शुरू हो गया। स्मेल भी आ रही है अच्छी। और अब मैं इसमें पानी डालूंगा ताकि ये एक डेढ़ ग्लास का पानी है, क्योंकि हमारा ग्लास थोड़ा बड़ा है, तो इसे आप 1.5 ग्लास बोल सकते हैं। इसमें पानी डालेंगे, आँच यही रखनी है विशाल, यहाँ बढ़ाऊ? मीडियम ना, मीडियम जल्दी उबल जाए। अच्छा, तो अब ये तुम्हारा दूसरा ग्लास,
यानी 3 ग्लास हो गए ना। पूरा या आप देख सकते हो अपने हिसाब से देख सकते हो कि पूरा जो गोश्त है ना वो इसमें डिप होना चाहिए। मसाले वसाला कुछ भी नहीं डालना अभी, अभी कुछ नहीं डालना। ठीक है, बस इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे। नमक डालूंगा इसमें मैं ताकि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो ये हमने मसाले कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, ये 1 चम्मच में डालूंगा, ये देख सकते हैं। दूसरे मसाले इसमें, और जो ज्यादा मसाले होते हैं ना वो इस तरह से बड़ी इसमें डालेंगे। एक टीस्पून, हां एक, दो टीस्पून डालेंगे। मिक्स कर देंगे। अब कितनी देर छोड़ना है? अब इसको हाफ एन आवर छोड़ना है हमने ऐसे ही, ताकि सही से गल जाए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है विशाल, क्या सूरत है हाल है खाने की? पानी सूख गया? पानी सूख गया, मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। ओके, अदरक लहसुन डाला है, थोड़ा ऊंचा बोलो। अदरक लहसुन डाला है, फिर मिर्चें डाली हैं। पीछे हमारे बच्चों की इतनी ज्यादा आवाज आ रही है कि विशाल की आवाज को तो बेचारों को दबा ही दिया। आप क्या ऐड करने वाले? ओके, फॉर ग्रेवी, और ग्रेवी भी, और जो थोड़ा सा कच्चा पेस्ट। ओके, वो भी गल जाएगा। नाइस, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा इसके पानी सूखने में। अब बादाम भी डालें, और देखो भाई ने गाना भी लगा दिया, कच्चा बादाम। इसको आपने सही से मिक्स करना ताकि दही इस फॉर्म में आ जाए। किस फॉर्म में? बिल्कुल ऐसे पतला सा, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए दही, जूसी हो जाए बोटी, जूसियाँ हो जाए, जूसियाँ जूसियाँ हो जाएंगी बोटी। हैं, और देखें खाना पकाना ना सिर्फ औरतों का काम नहीं होता, सही है, खाना पकाना एक आर्ट है, एक प्रोफेशन है ये, तो इसको सब इंजॉय करते हैं, और मर्द हजरात को भी बहुत शौक़ होता है, जैसे विशाल को बहुत शौक है, ये अपने शौक़ की वजह से खाना पकाता है। ये इसलिए खाना नहीं पकाता कि मैं नहीं बनाती, और ये इसलिए खाना पका रहा है। शान का है। अच्छा, ये साशे हैं छोटे वाले ना, दूसरा पैकेट नहीं डालना? वो हाफ डालना। हाफ? तो अब जब तक वो भून रहा है मसाला, तब तक हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं बताओ ना। ये मैं टमाटर को ऐड कर रहा हूँ चट्टू बट्टे में, मतलब इसमें हम प्यूरी भी डाल सकते हैं ना। ये देखिए हमारा बीज बन चुका है, आप देख सकते हैं कैसी अच्छी इसको आ रही है। जी, तो हमारा मटन हो गया है रेडी, और अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने बच्चों को लेके। तो बच्चों को ले आए हैं हम कीवीज में आइसक्रीम खाने, और फिर आगे क्या क्या करेंगे ये भी आपको।
आइसक्रीम का इंतज़ार हुआ ख़त्म और आ गई हम सबकी आइसक्रीम्स। तो कुछ ने ब्लूबेरी मंगवाई थी, कुछ ने इस तरह की ओरियो मंगवाई थी। ये ना सिर्फ दिखने में इतनी खूबसूरत थी बल्कि ये टेस्ट में भी लाजवाब थी। तो केबीज जब भी आए आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यमी थी। और विशाल ने और अम्मी ने, वो देख सकते हैं आप लोग, पाइन एप्पल मंगवाया था इन्होंने, फ्लेवर ये भी काफ़ी अच्छा था और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे इतनी सारी आइसक्रीम देख के ना। हुकूमत तो धांधली कर ही रही है, थोड़ी मैं भी कर लूँ। तो मैंने एरन की खूब आइसक्रीम खाई ओरियो और फिर मैंने भी इसे ऑफर कर ही ली भूल भुलैया से कि लो यार आप भी खाओ। तो उसने कोई इतना गंदा भैड़ा सा मुंह बना लिया। बेबो ने अपने ऊपर आइसक्रीम गिरा दी है। बेबो बेबो सना सना बेबो को मारे। सो आफ्टर आइसक्रीम बच्चों को दिख गया जंपिंग हाउस और बस उन्होंने शोर मचाने शुरू कर दिया कि इसको लिए बगैर तो हम जाने वाले हैं नहीं घर पे। तो हमने भी ये डिसाइड किया कि भाई शराफत से इनकी बात सुन लो, वरना घर जाके हमारी बड़ी मिट्टी पर नीत करने वाले थे। और जंपिंग हाउस पे बेबो ने खो दिया अपना सारा इम्यूनिटी। बेबो को समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं करूँ तो करूँ, हंस रही थी। बेबो के साथ क्या हुआ है? एंजल इसको पकड़ो, बेबो को स्लाइड लेके आओ, जब बेबो को
तो इस तरह हमने पूरा अपना ईस्टर का दिन इस तरह गुजारा और आप लोगों के साथ भी शेयर किया, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली की तरह ही हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कीप वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड विद अस। और जो इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू।